30 नवंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा संकुल में एनएसएस और विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योग संगम और श्री गोरखपीठ शोध संस्थान का शिलान्यास की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग संगम और शोध पीठ का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह, शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद सिंह, डॉक्टर केशव सिंह, प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह, सुषमा पांडे सहित अन्य शिक्षक और कर्मचारी तैयारियों के पूरा होने में अपना सहयोग देते रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया कि योग संगम में लगभग 5000 स्वयंसेवक शामिल होंगे। योग संगम के बाद सीएम योगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ का शिलान्यास करेंगे, जो पूरे देश में पहला शोध संस्थान होगा। इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए कुलपति प्रोफेसर बी के सिंह ने बताया, बच्चे जो है लाभ करेंगे और हमारे एनएसएस के जो है बच्चे यहाँ योग संगम में प्रतिभाग कर रहे हैं। योग संगम उनको योग सिखाया जाएगा और उनको एनएसएस के बारे में जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा और भी जो है जानकारियाँ दी जाएंगी। फिर जो है श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ का शिलान्यास होगा। ये सारे कार्यक्रम जो है हमारे कल होंगे। हमारे सारे बच्चे 10 बजे कैंपस में आ जाएंगे, उनको बैठाया जाएगा। हमारे 500 बच्चों को जो है कि वो टी शर्ट दिया गया है तिरंगे के कलर का, फिर कुछ भगवा कलर के हैं और ये बच्चे बैठेंगे। एक हमारे झंडे का लुक आएगा। ये सारी हम अनोखी व्यवस्था, 10,000 बच्चे जो है प्रतिभाग करेंगे। सर देखिए बैनर, अब तो ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास एक नंबर हो गया, एक नंबर हो गया, एक नंबर दिमाग लगाने से देखिए इतना अच्छा हो गया, उससे भी अच्छा सेम हो गया जो कॉलेज से। आठ क्लास से ये मैं हम बहुत गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में श्री गुरु गोरखनाथ शोध पीठ का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके अवसर पे यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह अपने आगमन से हमारा विश्वविद्यालय को सुशोभित करेंगे। और यह शोध संस्थान हमारे जो इस प्रांत इस शहर का जो मुख्य है गोरखनाथ के बारे में उसमें शोध करेगा। साथ में ही एनएसएस का हमारा योग संगम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एनएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा करीब 10,000 अभ्यर्थी छात्र उसमें आने वाले हैं, उनको योग के बारे में बताया जाएगा और उनके द्वारा जो राष्ट्रीय सेवा में जो योगदान किया जाता है एनएसएस के अभ्यर्थियों के द्वारा उनके यूनिट्स के द्वारा उसके बारे में भी बताया जाएगा। मुख्यमंत्री जी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी उसका उद्घाटन करेंगे और यूजीसी के चेयरमैन इस अवसर पर उपलब्ध रहेंगे। हमारे इस पूरे विश्व का पहला शोध संस्थान है जो गोरखनाथ जी के बारे में जो हम उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं पिछले 10,000 सालों से उसके बारे में शोध करेगा और हमारे जो विश्व के जो लोग हैं जो इसके बारे में कम जानकारी रखते हैं उनके बारे में बताएगा वो।